ये मैं कहाँ घूम रहा हूँ? ओ ये कोई ऑफिस है? गाड़ी भी खड़ी है बाहर। ओ भाई, यहाँ पे यूनिक कार्स लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑफिस है। ओहो, ये हमने कब ओपन किया? अच्छा, ये पहला दिन है। अभी हमने यहाँ से गाड़ी बाय की है। अच्छा, उसको हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, $8,000 इसका रेट लगा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। ये हमने ऐसे ये कार्स का बिजनेस कब से स्टार्ट कर लिया? तो अच्छा, ये सेल भी हो गई है। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब होंगे खैरियत से। तो वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज हमने ना कार्स का बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमने ये अपने यूनिक कार्स के नाम से ये ऑफिस भी ओपन कर लिया है। तो इसमें हम यहाँ पे गाड़ियाँ बाय करके लाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले कार्स, ये क्या कहते हैं, ऑफिस का ना, ये आप इंटरनल ऐसा देख लेंगे कैसा है, इनके साथ पे बनाया गया कैसे है। तो ये ना बिल्कुल नॉर्मल सा एक ऑफिस बनाया गया है। तो अभी क्योंकि हमारे पास इतना कैश नहीं है, बाद में हम कोई और दूसरा ऑफिस भी बाय कर सकते हैं और जगह भी हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं। मतलब यहाँ पे ना कोई किसी किस्म का इश्यू नहीं है। तो ये सामने जो हमारे ये वाले हैं ना, सामने वाले, तो यहाँ पे ना गाड़ियाँ रिपेयर्स वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे हम बाद में आपको विज़िट कराएंगे। अभी ना हमारे पास ना कोई गाड़ी है ना कुछ और। तो एक भी थी, वो भी हमने सेल कर दी है, वो भी हमने बाय की थी। यहाँ पे हमारे पास मार्केट का ऑप्शन है, एक विलेज का ऑप्शन है जिसमें हमने जाना होता है और वहाँ से गाड़ियाँ बाय करनी होती हैं। और एक कार का वो ऑक्शन होता है, वहाँ पे बोली लगती है। तो वहाँ पे ना गाड़ियाँ थोड़ी महंगी पड़ती हैं मेरे ख्याल में। तो यहाँ पे हम विलेज में आ गए हैं और अपने यहाँ पे गाड़ी ख़रीदेंगे यहाँ से। नहीं, अभी हमने मार्केट का विज़िट किया है, लेकिन ये कार की जो मार्केट है यहाँ पे लगती है। तो यह जो कार की मार्केट है ना, ये अभी बंद है। तो इसका हमें नहीं पता कि ये किस टाइम ओपन होती है। जब ये ओपन होगी तो हम यहाँ पे कार ख़रीदने आएंगे। तो फ़िलहाल हमारे पास वो ऑप्शन है विलेज का। तो वहाँ जाके ना हमने गाड़ियाँ बाय करनी है। तो हमें, हमारे पास अभी इतना कैश ही नहीं है, कैश हमारे पास कम है, लेकिन हम गाड़ियाँ ना बाय कर सकते हैं। तो ये ना काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की है, मतलब हमने बिजनेस शुरू कर दिया है, अच्छा बिजनेस। ओ भाई, यहाँ पे ना पहले ही कार ऑक्शन ओपन है और यहाँ पे दो गाड़ियों की बोली लग चुकी है। अभी हमारे, हम यहाँ आ चुके हैं इसलिए कि हम यहाँ पे, क्या पता हमें कोई गाड़ी ठीक मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे बोली लगती है। तो हमें नहीं लगता, यहाँ पे हमने टिकट बाय करना होता है। इस बंदे से हमने टिकट ले लिया। यार ये टिकट भी काफ़ी, मतलब $300 का दिया, ये क्या सीन है यार। यहाँ पे हम बैठेंगे इस पे और यहाँ पे बोली देखेंगे। दो की लग चुकी है ऑलरेडी और इन्होंने कीमत बताई है $31,569, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। और बोली लग चुकी है लास्ट $47,000 पे जाके, और अभी न्यू कार आ चुकी है, इसका हम रेट कुछ ना कुछ लगाते हैं। अभी हमारे पास इतना कैश नहीं है। तो इन्होंने $5,122 इस कार के बताए हैं। तो आगे अभी बोली जा रही है $6,093 तक चली गई है। और आगे इसको फाइनल देखते हैं कि तो भाई रुक जा, ओए रुक जा, ये लोगों के पास इतना पैसा है भाई, रुक जाओ। 6,506, ओहो यार, ये 7,000 को लगता है क्रॉस करेगी, क्रॉस करेगी भाई, क्रॉस करेगी, तो क्रॉस करेगी भाई। ये क्या सीन है यार, ये $7,021 अभी भी नहीं रुक रहे, रुको यार। अभी ये क्या सीन है यार, $7,124 में ये निकल गई है। तो अभी न्यू कार जो आ चुकी है 97 मॉडल की, तो ये हम, इन्होंने रेट लगाया $5,460। तो अभी लोगों ने स्टार्ट हो जाना है ये देखो। तो इसका मतलब यहाँ हमें ना आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोग यहाँ पे हमारे रेट से ज़्यादा ऊपर चले गए। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है इसकी, और लोग इसकी ठीक ठाक बोली लगा रहे हैं। तो यहाँ से हम ना चुपचाप निकल लेते हैं, यहाँ पे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। दो ये मतलब विलेज टाइप की जगह है, तो इसमें हम बिजनेस स्टार्ट किया कार्स का। दो देखते हैं क्या होता है। अभी हम विलेज में जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं, गांव टाइप जगह है। तो यहाँ पे हम गाड़ियाँ ख़रीदने पहुँच चुके हैं।
तो ये गाड़ी वाला सामने खड़ा है यार, ये कार लेके अपनी ये बेचने के लिए है, सब मतलब सेल का माल है, यहाँ पे सब सेल करने के लिए बैठे होते हैं। तो यहाँ पे आओ भाई। तो फ्रेंड्स ये ना कार काफ़ी महंगी होने वाली है, और इसका हम यार नहीं, ये इतनी खास भी तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल है। तो हमारे पास इसका मुझे नहीं लगता कैश होगा, लेकिन फिर भी हम ना इससे बात कर लेते हैं। तो ये बैठी हुई है यहाँ पे, तो यही कैसे इससे अटैच करेंगे, अट्रैक्ट कैसे होंगे इससे, चलो भाई बात कैसे करेंगे। तो फाइनली हमने ना इससे अट्रैक्ट कर लिया, और इसने रेट बताया 11,915 डॉलर। तो हम इसको ऑफर अपनी एक लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना कैश नहीं है, लेकिन तो नहीं 9,000 प्लस भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको 9,000 की ऑफर करेंगे भाई कि जान छुड़ाओ। लेकिन यहाँ पे इसने हमारी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मुझे यही लगता था कि क्योंकि इतने बड़ा वो क्या कहते हैं डिस्काउंट वो नहीं दे सकते, तो हमारे पास इतना कैश नहीं है अभी। तो हम ना नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट गाड़ी की तरफ हम आ गए, और ये बंदा एक बैठा हुआ है यहाँ पे, इससे बात कर लेते हैं और देखते हैं कि ये इसका रेट क्या है। यह है तो खटारा सा ही यार, लेकिन ये भी ना इस वक्त काफ़ी हाइपर हुआ होगा। 7,382 डॉलर लगा रहा है, मेरे ख़्याल में इसको ख़रीद लेना चाहिए, लेकिन हमारे पास कैश की कमी की वजह से हम इसको ऑफ़र थोड़ी सी डाउन करेंगे। हमने 6,000 की ऑफ़र इसको दी है, लेकिन इसने ऑफ़र डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दी है। तो अभी हम इसको मेरे ख़्याल में थोड़ी कोई और ऑफ़र लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये गाड़ी हमने बाय कर ली है, अभी हम इसी को ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी तो काफ़ी ना डाउन है, तो इसमें हमारे पास कैश का इशू है। तो इसको हम लेके ऑफिस जा रहे हैं, और वहाँ पे इसका रेट लगाएंगे। अब तक के लिए हमारी कैसी लगी है गेम प्ले? तो ये हम अपने ख़ास बिजनेस में लाए हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये ऑफिस की तरफ यही रोड यहाँ से निकलते हैं। बीच में से कुछ ना कुछ कट भी होगा, और ये यहाँ से ना इतना दूर नहीं है ऑफिस। तो यहाँ से यार इस बाकी तो ठीक ही है, ये भी बाकी ना इसकी साउंड वगैरह भी चेक कर लें। और ये जो कार इधर उधर मतलब रोड से बाहर निकली, ये थोड़ा सा ना ग्राफिक का इशू है, तो कोई इशू भी नहीं है। बाकी इसमें सिर्फ थोड़ा लोकेशन भी कम है, और इशू का थोड़ा यह है कि ग्राफिक है, मैन ग्राफिक का थोड़ा सा इशू है। तो अभी हम ना अभी तो हम विलेज में आए हैं, तो हम ना मार्केट भी विज़िट करेंगे, वहाँ से गाड़ियाँ भी बाय करेंगे। हमारा ऑफिस बिल्कुल करीब है, ये गैस स्टेशन है ये साथ में, इसकी भी हमें ना आगे जा कर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से हमने आगे जा कर ना एक और ऑफिस भी बाय करना है, मतलब एक शोरूम गाड़ियों को बाय करना है, जहाँ पे हमने गाड़ियाँ लगानी हैं। अभी हमने बिल्कुल लोकल बिजनेस, वैसे हमारी सोच काफ़ी बड़ी है यहाँ पे, लेकिन ये बात यह है कि अभी हम एक एक गाड़ी ला के बेच रहे हैं, फिर हम दो दो गाड़ियाँ ख़रीदेंगे, ट्रक के ज़रिए लाएंगे, कोई इशू हमारे पास नहीं होगा। ये इसकी ना इंटरनल लुक देख लें, गाड़ी अंदर से कैसी लगती है, मेरे हाल में ठीक ही है, काफ़ी हद तक कंडीशन के अतबार से ना ये ठीक है, इसकी कंडीशन ना काफ़ी अच्छी है। तो इसका हम मॉडल इसका है 84 मॉडल गाड़ी है, लेकिन इसकी कंडीशन अच्छी है। ओह शिट यार, ये रात ढल गई। हाँ एक बात तो यहाँ पे हम भूल ही गए, इसको ना सोना भी पड़ता है, रेस्ट करनी पड़ती है जाके, सुबह होने तक ये रेस्ट करेगा। उसका यहीं साथ में कंटेनर है, मतलब थोड़ा सा फासले पे, तो वहाँ जाके ना ये रेस्ट करेगा। यहाँ से हम बस स्टॉप पे आ गए, और ये सीधा हम कंटेनर में ही जाएंगे, वहाँ जाके ना इस रेस्ट करेगा, और सुबह ये वापस आएगा उठ के। आ जाओ भाई, रात के ना यहाँ पे 8 से आगे हो गया टाइम, होते यहाँ पे ये सो जाएगा। कंटेनर का दरवाज़ा बंद कर लो भाई, आके रात को ना कुछ पहने ना मारे, चलो सो जाओ। खैर ये मुझे नहीं लगता ये ऐसा कुछ होने वाला है, ये बहुत सिक्योर इलाके होते हैं, ये हमारे देश की तरह तो नहीं है ना। तो ये सुबह उठ गया है यार, ये इसकी इंटरनल लुक देखो कैसे लग रहा है। यहाँ से ना ये सीधा बाहर निकलेगा, और वापस अपने ऑफिस की तरफ ट्रैवल करेगा।
ऑफिस में जाके ना उस गाड़ी की सेल ऑन करनी है जिसको हमने अभी सेल किया है। तो इसमें ना बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे मतलब ऑफिस बाय कर सकते हैं, और गाड़ियाँ भी मतलब जितना आपके पास कैश है तो ये जगह उतनी महंगी गाड़ियाँ आपको शो कराएगी। और अभी हम कार मार्केट में तो गए ही नहीं, कार मार्केट्स में हमें हर लेवल की गाड़ी मिल जाती है, लेकिन अभी हम कार मार्केट्स में जाने की कोशिश की भी है लेकिन वो उस वक्त बंद थी, तो इसका मतलब अभी हम कार मार्केट्स में जाने के लिए अवेल नहीं है। तो बाद में हम कार मार्केट्स भी विज़िट करेंगे, इस गाड़ी की ना सेल ऑन करते हैं और कुछ ना कुछ इसमें इस बार मुनाफा लग जाएंगे। काफ़ी है भाई, कुछ ना कुछ तो लगाना है। $7,382 की ख़रीदी है तो मेरे ख़्याल में इसमें मुनाफा लगाना चाहिए हमें। बाहर एक क्लाइंट आ गया यार, तो इसको हम थोड़ा सा गा के, हमारा कस्टमर है तो इसको थोड़ा सा डील करते हैं। अच्छा ये कोई लड़की है तो इससे ना ये हमें $7,382 दे रही है। एक और आसमान सेटअप होके आ गया, किधर से आया भाई, एक और आ गया है तो इसकी $7,382 है। तो यार ये क्या कर दिया, अभी इसमें हम कोई मुनाफा नहीं लगाया यार, ये वैसे ही सेल कर दी। दोबारा विलेज को विज़िट करो, कार ऑक्शन में किधर आ गया, नहीं नहीं ये विलेज में आया है। यहाँ से ना ये गाड़ी काफ़ी महंगी है, इसको ना हम बाद में ख़रीदेंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, लेकिन इसका रेट पता कर लेते हैं बाद में, फिर हमें ख़रीदनी पड़ेगी। ये $25,991 बता रहा है, लेकिन ये हम इसको अभी बाय कर ही नहीं सकते, हमारे पास इतने कैश ही नहीं है। ये भी काफ़ी महंगी होगी, हमारे पास 9-10 की रेंज है बस, ये भी 11,000 वो कर रहा है, तो ये मैं नहीं लगता इतनी ज़्यादा बड़ी छूट देने वाला है कि भाई ये तो कोई खटारा सा लग रहा है। ये क्या, हाँ सर जी कितने की है, ओ भाई $11,739 ये भाई अपने पास ही रख। अभी एक नेक्स्ट आ गया, इससे पूछते हैं, ओ हो ये उससे भी महंगी दे रहे हैं भाई, ये खटा रहे हैं कभी, रेट कब से उठ गया है। ये क्या, ये रेट तो काफ़ी ना हेवी कर रहे हैं यार, ये तो बड़ा रोला है। $7,445 ये ना 83 मॉडल गाड़ी है, इसको भी थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास ना कैश की बहुत ज़्यादा कमी है भाई। पहले तो हम कहते थे भाई पैसे की कमी नहीं है, अभी ना पैसे की ओरिजिनल कमी है। यहाँ पे ये $7,000 हमने इसको ऑफर की, लेकिन इसने ना डायरेक्ट रिजेक्ट कर दी, तो हमने फिर उसको बाय कर लिया क्योंकि हमें इस गाड़ी की ज़रूरत है अभी। इसी हम इस टाइप की गाड़ियाँ लेके अभी सेल कर सकते हैं, बाद में तो देखना हम भी ना सुपर स्टार होंगे। तो इसको यहाँ से निकालते हैं बाहर, भाई जाओ 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 यार, आस्ते आस्ते निकलो, ये ना इस वक्त काफ़ी ट्रैफिक है, तो यहाँ से अभी निकलते हैं, निकल भाई निकल, ये क्या सीन है यार। हाँ तो हम ना मेन रोड्स पे लग चुके हैं, यहाँ से हमने ऑफिस का रोड देखना है, ऑफिस की तरफ, ऑफिस की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये थोड़ा सा गलत आ गया यार, यहाँ से यू टर्न लेना है, वापस वापस लो यू टर्न यहाँ से भाई, वापस गलत रोड पे आ गए, तो यहाँ से ना हम वापस बैक लेते हैं गाड़ी को। तो फ्रेंड्स हम ना आ गए हैं अपने रोड्स पे, तो इससे हम ऑफिस का रोड जो जाता है वहाँ जाएंगे और ऑफिस में जाके इस गाड़ी की सेलान कर देंगे। तो अब तक के लिए फ्रेंड्स कैसी लगी है हमारी, क्या कहते हैं प्ले, और हम ना अभी बिजनेस में दिमाग नहीं लड़ा रहे, लड़ाना चाहिए यहाँ पे ही दिमाग लड़ाना चाहिए। हाय हाय क्या मस्त जा रही है यार, क्या मस्त स्पीड है यार इसकी गाड़ी। तो ये ठीक है, बस इसका ना थोड़ा मॉडल पुराना है, तो इसका ना रेट काफ़ी डाउन लगने वाला है, फिर भी हमें ना इससे मुनाफा कुछ ना कुछ निकालना है, अदरवाइज इसकी हम वैसे सेल नहीं करेंगे। तो हमारा ऑफिस आगे सामने आ गया है, वहाँ पर हमने जाके इसको खड़ा करना है और वहाँ पर इसकी सेल करनी है यार।
अभी ना हम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, बाद में जब ज़्यादा मज़ीद गाड़ियाँ लेंगे तो फिर उनको रिपेयर भी करवाएंगे, उनका पेंट्स भी करवाएंगे, ये सामने ही हैं, और उनके और भी दूसरे काम्स वगैरह करवाएंगे, उनके धुलाएंगे, क्या कहते हैं, सर्विस वगैरह करवाएंगे, उसके बाद उनको ना डबल कीमत में सेल किया करेंगे, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास इतने पैसा ही नहीं है कि हम ऐसा कर सकें। अम्मी आपने वोट करना है तो नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको अच्छी सेल लगे, मतलब क्या अच्छी वीडियो आपके सामने आए। आपने सिर्फ हमें बताना है नेक्स्ट बनानी है या नहीं, आपकी इजाज़त के बगैर नहीं बनेगी। तो यार ये रात हो गई है, ये रात को ना यहाँ पे हमने इसकी 12,000 कीमत लगा के सेलान कर दिया, लेकिन रात को गाहक नहीं आते यहाँ पे, कस्टमर्स नहीं आते, तो यहाँ पे इस ऑफिस को हम क्लोज करके कंटेनर्स में जा रहे हैं, कोई वहाँ पे इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरे ख़्याल में आज के लिए ना इतना काफ़ी है, लेकिन आपने ना वोट करना है कि यार अगली वीडियो बनानी है, उसमें हम ना एक मार्केट विज़िट करेंगे, वहाँ से गाड़ी ख़रीदेंगे, उसके अलावा हम ना आहिस्ता आहिस्ता नई एक जगह भी ख़रीदेंगे उसी में ही, जो हम मतलब के वहाँ पे गाड़ियाँ स्टॉक करनी होंगी, और अपने लिए भी एक गाड़ी लेंगे, जिससे हम ना ये ऑफिस से अपने कंटेनर में आए, दूसरा तीसरा तो अभी ये यहाँ पे आ गया ये सोने के लिए। तो मेरे ख़्याल में फ्रेंड्स काफ़ी आज के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए, तो और था बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो ना आ जाए। तो ये भाई सो गया, अभी सुबह उठेगा और उसके बाद हम आपको दोबारा आगे मज़ीद दिखाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।